हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार। तो दोस्तों, आज हम एथिकल हैकिंग के सीरीज में बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के एक ऐसे टूल के बारे में जिसकी मदद से आप बेहद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने टारगेट के वेबसाइट से गैदर कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ काले लिनक्स के ऊपर एक ऐसे टूल के बारे में जहाँ से आप बेहद ऐसी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको नॉर्मली वेबसाइट को सर्च करने पर, वेबसाइट को सर्व करने पर अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, वो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड PPTs एंड PDF एंड डॉक्यूमेंट्स, ऐसी फाइल्स रहती हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं उस टूल की मदद से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टर्मिनल। सो यहाँ पे हमने अपना काले लिनक्स का टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो उस टूल का नाम है मेटागूफिल। सो मेटागूफिल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में बता देता हूँ, देन हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सो मेटागूफिल जो है वो एक ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। एंड मेटागूफिल का इस्तेमाल हम किसी भी जो वेबसाइट है वहाँ से हम अपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, एंड किसी भी इलीगल वे के लिए, किसी भी इलीगल पर्पस के लिए मैं ये ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ। ये ट्यूटोरियल सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मेटागूफिल को सबसे पहले हम इंस्टॉल करना सीखते हैं। सो मेटागूफिल को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सिंपल सी कमांड है, आपको अपने टर्मिनल पर जाके लिखना है apt get install मेटागूफिल। सो सिंपल कमांड है apt get install मेटागूफिल। आप इसको रन करोगे एंड देन ये यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने अपने सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं एंड यहाँ पे हमने सिंपल लिखना है मेटागूफिल, और यहाँ पे आपको वो टूल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे एरर्स आते हैं जो कि आपके सिस्टम में ही इंस्टॉल नहीं हो पाता, कुछ एरर्स आ जाते हैं। सो पैकेजेस के कुछ एरर आ जाते हैं तो आप उसको मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैन्युअली इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल फायरफॉक्स ओपन करना है अपने काले लिनक्स टर्मिनल पे। सो यहाँ पे हमारा फायरफॉक्स ओपन हो चुका है। सिंपल हम यहाँ पे सर्च बार में मेटागूफिल लिखेंगे। एंड सबसे पहला जो लिंक आपके पास आएगा तो उसको हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। लारमिस का मेटागूफिल का एक टूल है, तो इसको हम गिटहब से डाउनलोड कर लेते हैं। सो गिटहब से इसको इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ से इसका लिंक को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसका लिंक कॉपी कर लिया एंड वापस से हम अपने शेल पे चलते हैं। एंड बहुत सिंपल सी कमांड है, हमने गिटहब से कोई भी अगर आप पैकेज को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो सिंपल कमांड होती है गिट स्पेस क्लोन, एंड वो जो पैकेज है आपका उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड फिर आपको वो स्टार्ट करना है। राइट, सो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे तो मेटागूफिल स्टार्ट इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन सिंपली आपको मेटागूफिल की, जहाँ पे मेटागूफिल इंस्टॉल होगा उस फोल्डर में जाके आपको मेटागूफिल को रन करना है। जो कमांड रहेगी वो आपको अब बताता हूँ, यानी कि कौन सी कमांड का इस्तेमाल करके आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है मेटागूफिल। हमने मेटागूफिल को स्टार्ट कर दिया है। सो अगर आप मैन्युअली गिटहब से डाउनलोड कर रहे हो मेटागूफिल तो metagoofil.py ज़रूर लगाना, क्योंकि मेटागूफिल जो है ये पाइथन लैंग्वेज में बनाया गया है। सो मेटागूफिल के साथ आप .py का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ metagoofil.py, इस तरह का आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे अगर आप गिटहब से इसको मैनुअली डाउनलोड कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इस काली में डायरेक्टली इंस्टॉल करा है apt get install की मदद से, तो आपको .py लिखने की कोई नीड नहीं है। तो सिंपल सबसे पहले हमें लिखना है मेटागूफिल, देन हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट डोमेन है हम उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। अब हमारे केस में हम अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए, एक एजुकेशन पर्पस के लिए हम कोई भी वेबसाइट लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिख देते हैं। फ्लिपकार्ट वो वेबसाइट जो हम सभी जानते हैं, सो हम एज अ टेस्टिंग हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। सो flipkart.com हमने यहाँ पे लिख दिया है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे limit-l, हम लिमिट के लिए लगाते हैं पैरामीटर। लिमिट मतलब होता है यानी कि वो पूरे वेबसाइट में कितने नंबर्स ऑफ मतलब फाइल्स को देखेगा। ठीक है, हमारे जो भी पर्टिकुलर हम चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम उस पर्टिकुलर साइट से कुछ PDFs डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, सो कितने नंबर ऑफ फाइल्स को इंडेक्स करेगा।
रहेगा। तो यहाँ पे लिमिट में हमने 100 कर देते हैं। एंड कितनी फाइल्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए हम हाइफन एन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सिर्फ 5 फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम 5 का वहाँ पे नंबर सेट कर देते हैं। एंड देन हम यहाँ पे सेट करते हैं हाइफन टी। हाइफन टी मतलब आप कौन सा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हो। सो हम यहाँ पे PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम PDF लिखते हैं। इनकेस अगर आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप .doc का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप एक्सेल की कोई फाइल बनाना चाहते हो या फिर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप .xls का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हो, कोई भी आप फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, उसको आपको यहाँ पे एक्सटेंशन लिखना होगा। सो हमारे केस में हम PDF डाउनलोड कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे PDF लिख दिया। सो इसके आगे हम हाइफन ओ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो हमारी फाइल डाउनलोड होगी वो कौन सी डायरेक्टरी में हम इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपना डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू फ्लिपकार्ट। हमने यहाँ पे न्यू अपनी आउटपुट फाइल लिख दी है, यानी कि वो फाइल जहाँ पे हमारे सारे डेटा स्टोर होगा। एंड देन हम सिंपल इसको एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा मेटाग्रोफिल का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हमारा टारगेट वेबसाइट है वहाँ पे ये फाइल को ढूंढेगा, एंड जो भी इसको फाइल मिलेगा पब्लिकली उसको ये आपको डाउनलोड करके ला के देगा। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा फाइल्स रहती हैं वेबसाइट्स में, उसमें से पर्टिकुलर PDF फाइल को डाउनलोड करके आपको ला के देगा। तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसी भी टारगेट डोमेन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुके हैं। सो यहाँ पे होम फोल्डर पे हम चलते हैं। एंड होम फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको न्यू फ्लिपकार्ट, यानी कि जो डायरेक्टरी हमने आउटपुट के लिए क्रिएट करी थी वो डायरेक्टरी यहाँ पे बनी हुई है। तो हम न्यू फ्लिपकार्ट पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा हमारे सारी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी हैं। सो सिंपल वो आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, एंड आप देख सकते हैं कि हमें ये फाइल यहाँ पे मिल गई है जो हमने डाउनलोड करी थी। ठीक है, अब इस तरह से ये तो हमने फॉर एग्जाम्पल में फ्लिपकार्ट हमने अपना टारगेट लिया था। सो जो आपका टारगेट होगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो उसका इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। इस तरह से अभी हमने 5 फाइल्स डाउनलोड करी हैं, तो आप मल्टीपल फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमें अलग अलग फाइल्स यहाँ पे मिल गया है। तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, इसीलिए मैंने आपको बताया किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको अच्छे वे में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो इससे जो वेबसाइट में हिडन फाइल्स रहते हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड अपना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का फेज़ है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो जैसे कि एथिकल हैकिंग, प्रोग्रामिंग, CCNA सर्वर, तो हमारी लाइव ऑनलाइन पेड ट्रेनिंग चल रही है, तो वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फॉर्म का, आप फॉर्म सबमिट करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड देन आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।